हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। पहला क्वेश्चन में दिखाना है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर बाएं पक्ष में क्या दिया हुआ है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर कोसेक थीटा के बदले में लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा और कॉट थीटा के बदले में लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर कितना होगा 1, बीच में माइनस, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पर है होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसलिए हम लोग दो बार लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा के बदले क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर इसके बदले हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस बी होता है इंटू ए प्लस बी होता है। अब यहाँ पर ऊपर में कितना है 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ का 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कि यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, यही आपका राइट हैंड साइड में है, इसको लो राइट हैंड साइड प्रूव्ड। दूसरा क्वेश्चन में दिखाना है कि कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू बराबर 2 कॉस ए होता है। तो यहां पर इसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे 1 प्लस साइन ए का और कॉस ए का, तो कितना हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब जब हम लोग इक्विवेलेंट करेंगे उस समय क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे कितना है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर कितना है कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, ए मतलब 1, 2 ए बी, बी मतलब कितना साइन ए, प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, मतलब क्या वहाँ पर होगा साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर कितना कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, हम लोग साइन स्क्वायर ए को हम लोग आगे लिखेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 1, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए मतलब 2 साइन ए, नीचे कितना है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 1 प्लस यहाँ पर 2 साइन ए, नीचे कितना है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए,
जोड़ते हैं हम लोग, एक प्लस एक कितना दो, दो यहाँ पर कितना है दो साइन ए, नीचे है कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी टू है, यहाँ पर भी टू है तो टू कॉमन आएगा, तो यहाँ पर क्या वन बचेगा, और यहाँ पर टू जब बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ साइन ए, नीचे क्या है कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए यहाँ का और यहाँ का वन प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा टू इंटू वन बाय कॉस ए, मतलब टू और वन बाय कॉस ए का मतलब होता है सेक ए, बराबर क्या हो गया राइट हैंड साइड प्रूव्ड। थर्ड क्वेश्चन में दिखाना है कि टेन थीटा बाई वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई वन माइनस टेन थीटा बराबर होता है वन प्लस सेक थीटा प्लस सॉरी वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है टेन थीटा बाई वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा हो गया कॉट थीटा बाई वन माइनस टेन थीटा। एक संकेत दिया हुआ है व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे टेन थीटा को हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा के बदले यहाँ पर कॉट थीटा के बदले लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा वन माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ऊपर में कितना है साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस फिर एलसीएम लेंगे हम लोग यहाँ पर ये कितना होगा कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ऊपर में है कॉस थीटा बाय कितने पर है साइन थीटा, तो सॉल्व करते हैं तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा और ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा मतलब साइन थीटा यहाँ आ जाएगा साइन थीटा और यहाँ पर कितना होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा फिर प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा फिर से ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ऊपर में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर होगा साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो साइन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पर तो माइनस बाहर आ जाएगा और माइनस प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इधर है कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा आगे आ जाएगा और यहाँ पर होगा माइनस कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो कितना होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर एलसीएम कितना होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा है और एक साइन इंटू हो जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, आप लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे कितना है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फोर्थ क्वेश्चन में दिखाना है वन प्लस sec a बाई sec a बराबर साइन स्क्वायर a बाई वन माइनस कॉस a। ये संकेत दिया हुआ है कि बाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है वन प्लस sec a बाई sec a, वन प्लस sec a को हम लिखेंगे वन बाई cos a, और यहाँ पर हो जाएगा वन बाई cos a। यहाँ पर हम लोग cos a का LCM cos a आएगा, और यहाँ पर वन का वन के प्लेस में कितना हो जाएगा cos a प्लस यहाँ पर है प्लस यहाँ पर वन। नीचे कितना है वन बाई cos a, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर cos a प्लस वन, नीचे हो जाएगा cos a। और यहाँ पर जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वन बाई cos a को, तो cos a ऊपर आ जाएगा और वन नीचे आ जाएगा, cos a और cos a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा cos a प्लस वन। यह है लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्व। अब हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे इसी प्लेस पर। राइट हैंड साइड बराबर है साइन स्क्वायर a बाई वन बाय वन माइनस कॉस ए। राइट हैंड साइड बराबर कितना है साइन स्क्वायर ए बाई वन माइनस कॉस ए, तो साइन स्क्वायर ए को हम चेंज करेंगे तो जो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे है वन माइनस कॉस ए। तो फिर से हम लोग इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक्सपेंड करेंगे तो कितना होगा वन प्लस कॉस ए इंटू होगा वन माइनस कॉस ए, नीचे वन माइनस कॉस ए। तो यहाँ पर वन माइनस कॉस ए और वन माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा वन प्लस कॉस ए। लेफ्ट हैंड साइड में कितना था कॉस ए प्लस वन, और राइट हैंड साइड में भी लेफ्ट हैंड साइड में कितना था कॉस ए प्लस वन, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में कितना आया था कॉस ए प्लस वन, और राइट हैंड साइड में भी कितना आ गया कॉस ए प्लस वन। मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है बराबर है, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा आगे कर दिए, और यहाँ पर क्या है इधर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे कितना है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना वन होता है, यहाँ पर वन हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर है कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जिसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे वन बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर वन बाय कॉस थीटा मतलब हो जाएगा यहाँ पर सेक थीटा, और वन बाय साइन थीटा मतलब हो जाएगा पर कॉसेक थीटा, और ये पूरा कर जाएगा इसका बिल्कुल वन। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड प्रूफ। फिफ्थ क्वेश्चन में दिखाना है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। एक यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन, नीचे है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। हम लोग क्या करेंगे, अंश तथा हार दोनों को हम लोग साइन ए से भाग देंगे,
कितना बराबर कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस वन बाय साइन ए। नीचे कितना हो जाएगा कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस वन बाय साइन ए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस ए बाय साइन ए मतलब कॉट ए साइन ए बाय साइन ए वन माइनस वन बाय साइन ए मतलब कॉस ए के। ऊपर कितना हो जाएगा कॉस ए बाय साइन ए मतलब कॉट ए यहाँ पर हो जाएगा वन और यहाँ पर वन बाय साइन ए मतलब कॉस ए के। नीचे कितना है वन को हम आगे लिखेंगे वन माइनस कॉस ए के प्लस कॉट ए यहाँ पर कॉट ए फिर यहाँ पर प्लस कॉस ए के माइनस वन कितना हो जाएगा वन माइनस कॉस ए के प्लस कॉट ए। कॉट ए प्लस यहाँ पर होगा कॉस ए के माइनस वन कॉस ए स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बराबर वन होता है तो हम वन के बदले लिखेंगे कॉस ए स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। नीचे कितना है वन माइनस कॉस ए के प्लस कॉट ए ऊपर है कॉट ए प्लस कॉस ए के माइनस इसको हम एक्सप्लेन करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कितना हो जाएगा कॉस ए के प्लस कॉट ए इंटू कॉस ए के माइनस कॉट ए। नीचे वन माइनस कॉस ए के प्लस कॉट ए यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉस ए के यहाँ पर भी कॉट ए प्लस कॉस ए के कॉमन आ जाएगा कॉस ए के प्लस कॉट ए कॉमन आ गया तो इस प्लेस पर बचेगा वन माइनस कितना हो जाएगा पर कॉस ए के माइनस कॉट ए। नीचे कितना वन माइनस कॉस ए के प्लस कॉट ए यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस ए के प्लस कॉट ए और यहाँ पर हो जाएगा वन माइनस कॉस ए के प्लस कॉट ए दोनों कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा कॉस ए के प्लस कॉट ए ये आपका राइट हैंड साइड में है मतलब राइट हैंड साइड आ गया हैंड्स प्रूफ। इसमें है अंडर रूट वन प्लस साइन ए बाय वन माइनस साइन ए बराबर दिखाना होगा सेक ए प्लस टेन ए तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है अंडर रूट वन प्लस साइन ए बाय वन माइनस साइन ए। हम लोग क्या करेंगे नीचे जो हर है हर का परिमेयकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर नीचे वन माइनस साइन ए और वन प्लस साइन ए ऊपर में है। हम लोग हर का परिमेयकरण जब करेंगे तो यहाँ पर वन माइनस साइन ए का परिमेयकरण करेंगे मतलब वन प्लस साइन ए से हम लोग क्या करेंगे अंश तथा हर को गुना करेंगे वन प्लस साइन ए बाई वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए यहाँ पर होगा दोनों गुना हो जाएगा तो वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए और ऊपर में कितना होगा वन प्लस साइन ए मतलब वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना है वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर वन का स्क्वायर वन हो जाएगा और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए फिर से वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय वन माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब कितना हो जाएगा
कॉस स्क्वायर ए। अब ए रूट से बाहर आ जाएगा तो वन प्लस साइन ए, और कॉस स्क्वायर बाहर आ जाएगा कितना होगा कॉस ए, और कितना होगा वन बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। वन बाय कॉस ए मतलब कितना हो गया सेक ए, साइन ए बाय कॉस ए मतलब हो गया टेन ए, इसको लू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा बाय टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा दिखाना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर क्या कॉमन आएगा कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा यहाँ पर टू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ पर वन, ऊपर में क्या कॉमन आएगा साइन थीटा कॉमन आएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कितना है कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ऊपर में कितना है साइन थीटा और यहाँ पर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा का हम लिखेंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर नीचे कितना है कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ऊपर में है साइन थीटा और यहाँ पर कितना हो जाएगा वन माइनस टू माइनस हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कितना है कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, यहाँ पर है साइन थीटा और यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो यहाँ पर टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन और टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा साइन थीटा नीचे कॉस थीटा मतलब कितना हो गया टेन थीटा बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। आठवां प्रश्न क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए के का होल स्क्वायर बराबर सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर होता है। लेफ्ट हैंड साइड है आपका साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस से के का होल स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सप्लेन करेंगे, कितना होगा साइन स्क्वायर ए प्लस टू इंटू साइन इंटू कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, फिर हम लोग इसको भी क्या करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सप्लेन करेंगे, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस टू इंटू कॉस ए इंटू सेक ए प्लस यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिखेंगे प्लस टू, टू लिखेंगे यहाँ पर साइन इंटू कोसेक इसका वैल्यू वन होता है प्लस यहाँ पर कोसेक स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पर फिर से यहाँ पर टू है प्लस यहाँ पर टू कोसेक इंटू सेक मतलब कितना हो जाएगा इसका वैल्यू वन होता है प्लस यहाँ पर लास्ट में कितना है सेक स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू वन होता है वन प्लस यहाँ पर टू वन जर कितना टू हो गया प्लस यहाँ पर फिर टू वन जर टू हो गया, और यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पर सेक स्क्वायर ए का वैल्यू होता है वन प्लस टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर कितना वन प्लस टू थ्री प्लस टू फाइव प्लस वन सिक्स प्लस वन सेवन प्लस यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर टेन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, इसको लो राइट हैंड साइड हैंस प्रूफ। नाइन्थ क्वेश्चन है कॉस ए के माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर वन बाय टेन ए प्लस कॉट ए, यहाँ पर हिंट दिया गया है कि लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को अलग अलग सरल कीजिए।
लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोसे। तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक के बदले में लिखेंगे वन बाई साइन ए माइनस, यहाँ पर कितना है साइन ए, ब्रैकेट बंद हो गया। फिर यहाँ पर सेक ए मतलब वन बाई कोसे माइनस में कितना है कोसे, एलसीएम कितना आ जाएगा साइन ए, यहाँ पर हो जाएगा वन माइनस साइन ए, और यहाँ पर एलसीएम आएगा कॉस ए वन माइनस कितना हो जाएगा पर कॉस स्क्वायर ए। अब साइन ए इंटू कॉस ए, साइन इंटू कॉस ए हो जाएगा पर, और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर होगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब हो गया कॉस स्क्वायर ए इंटू यहाँ पर वन माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब हो गया साइन स्क्वायर ए, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, इस साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बचे यहाँ पर कॉस ए इंटू यहाँ पर साइन ए। अब राइट हैंड साइड में क्या है वन बाय टेन ए प्लस यहाँ पर है कॉट ए, तो वन बाय टेन ए को हम लिखेंगे साइन ए बाय कॉस ए, और कॉट ए को लिखेंगे कॉस ए बाय साइन ए। तो यहाँ पर कितना एलसीएम कितना होगा साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ऊपर में कितना है वन, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर वन, इसका जो वैल्यू होता है वो वन होता है, और नीचे कितना है साइन ए इंटू है कॉस ए, तो इसके लिए कितना हो जाएगा साइन इंटू कॉस ए। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी जो आया था वही राइट हैंड साइड में भी आ गया, मतलब क्या है लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन है इसमें तीन पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाय कितना वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो कितना हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर ए वन प्लस वन बाय टेन स्क्वायर ए, फिर कितना हो जाएगा पर वन प्लस टेन स्क्वायर ए, एलसीएम कितना है यहाँ पर टेन स्क्वायर ए, यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर वन, तो यहाँ पर है वन प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको लिख दिए, इसके नीचे कितना वन है, और यहाँ पर जब इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे तो टेन स्क्वायर ए यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस वन, तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए वन प्लस टेन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर टेन स्क्वायर ए। मिडिल टर्म क्या है वन माइनस टेन ए बाय वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे वन माइनस टेन ए को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, और यहाँ पर वन माइनस कॉट ए को लिखेंगे वन बाय टेन ए का यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा वन माइनस टेन ए, एलसीएम आएगा टेन ए यहाँ पर नीचे, यहाँ पर कितना हो जाएगा वन की प्लेस में हो जाएगा टेन ए माइनस वन, यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा वन माइनस टेन ए, इसके नीचे वन है यहाँ पर वन लिखेंगे, और यहाँ पर जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो टेन ए यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, और टेन ए माइनस वन यहाँ पर नीचे आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर वन माइनस टेन ए, नीचे वन है और यहाँ पर कितना ऊपर में है टेन ए, और यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो कितना ऊपर होगा वन माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, वन माइनस टेन ए वन माइनस टेन ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, मतलब कितना हो गया टेन स्क्वायर ए, हैंस प्रूव्ड।